वृंदावन के शाहजी मंदिर क्षेत्र में व्यापारियों को अब ई रिक्शा और टेम्पो चालकों की मनमानी के चलते लगने वाले जाम से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस जाम से निजात पाने के लिए युवा उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने शाहजी मंदिर और रेतिया बाजार क्षेत्र के व्यापारियों के सहयोग से दो स्टॉपर लगवाए गए हैं, जिसके चलते अब ई रिक्शा और टेम्पो चालक बाजार से 100 मीटर पहले ही रोके जा सकेंगे, जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में सुगमता होगी। वहीं बाजार में खरीदारी करने वाले लोगों के अलावा पर्यटकों को राहत मिल सकेगी। शाहजी मंदिर क्षेत्र में लगाए गए इन दो बैरिकेटिंग का शुभारंभ वरिष्ठ व्यापारी नेता मदनलाल धाकड़, युवा व्यापारी अंकित वाष्णेय, अशोक कुमार ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया। युवा व्यापारी का कहना था कि जहां भी जरूरत होगी वहां युवा व्यापार मंडल के पदाधिकारी हमेशा तत्पर हैं। मदनलाल धाकड़, ये ई रिक्शा टेम्पो इनके आतंकी वजह से लगाई है। आज मथुरा में भी मीटिंग हुई थी एसएसपी ऑफिस में, वहां भी यही मुद्दा उठाया गया था। तो एसएसपी 100 मीटर के अंदर तो कोई अलाउ है ही नहीं है, एसएसपी ने कह दिया कि कोई भी अलाउ नहीं है ई रिक्शा और टेम्पो। कितने समय से परेशानी थी? अरे परेशानी जब से ये ई रिक्शा शुरू हुए तब से जाम बहुत लग रहा है। यहाँ पर दुकानदारों का दुकान व्यापार चौपट हो रहा है। इसके लिए पूरे बाजार के व्यापारियों ने सहयोग दे के ये लगवाया। युवा व्यापार मंडल ने जो सार्थक पहल की है, इस बारे में क्या कहना है? क्या युवा व्यापार मंडल ने जो सार्थक पहल की है, इस बारे में आपका क्या कहना है? बढ़िया है, हम तो कहें सारे मिल के करो। हाँ, कोई समस्या का समाधान हो तो सारे व्यापार मंडल उसको समस्या का समाधान करें। मेरा नाम अंकित वाष्णेय है। अंकित जी, अभी जो यहाँ बैरिकेडिंग लाई गई है, काफी समय से व्यापारी परेशान थे और आपने ये पहल की है, कैसे? पिछले दिनों से व्यापारी बहुत कुछ समय से ई रिक्शे से बहुत परेशान थे, जिसके लिए कुछ दिन पहले शाहजी मंदिर और निधवन क्षेत्र के सारे व्यापारियों ने मिलकर कोतवाली पिवारी महोदय से मुलाकात की थी, जिन्होंने आश्वासन दिया था। उसके बाद ही ये सब बैरिकेडिंग स्टॉपर मंगवाए गए हैं और आज यहाँ पर लगवाया गया है, जिसका उद्घाटन युवा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और समस्त शाहजी मंदिर और निधवन क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा किया गया है। पूरे वृंदावन में ही करेंगे और पूरे वृंदावन में युवा व्यापार मंडल अभियान चलाएगा और जितने भी व्यापार भी परेशान है उनके लिए आवाज़ उठाएगा। व्यापारियों की मांग को देखकर जो बैरिकेडिंग लगाई है, उससे व्यापारी कैसा महसूस कर रहे हैं? व्यापारी बहुत खुश हैं इसको देखकर, और आगे बाजारों में भी बैखंडी, बिहारी जी, अटकम्बा, रेतिया बाजार, शाहजी और रेतिया बाजार, रंग जी, जहाँ भी व्यापारियों की समस्या है उसका भी समाधान कराया जाएगा जल्द। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का।